मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज, कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। वास्तव में सेल साइकिल क्या है? जब भी माइटोसिस होता है तो, और या माइटोसिस होता है और सेल डिवाइड होती है, उस दौरान बहुत सारी इवेंट्स का एक सीरीज है जिसे सेल साइकिल नाम दे दिया जाता है। वास्तव में जो दो माइटोटिक डिवीजन है, उन दोनों के बीच का जो पीरियड है, उसे नाम दे दिया जाता है सेल साइकिल। और जैसे ही एक माइटोसिस कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो माइटोसिस स्टार्ट होता है, तो उन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, उसे नाम दे दिया जाता है इंटरफेज। और जो एक्चुअल पीरियड है डिवीजन का, उसे नाम दे दिया जाता है एम फेज। कि कोई भी यूकैरियोटिक सोमेटिक सेल जो है, वो जैसे ही डिवाइड होती है तो उसका जो मास है वो जस्ट डबल हो जाता है, और उसकी वजह से वो सेल जो है इक्वली टू डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है। और किसी भी सेल का जो साइज है वो माइटोसिस के दौरान डबल हो जाना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऑफ जीन की वजह से होता है, जो कि किसी प्रोटीन को जो है वो कोड करते हैं। और वास्तव में किसी भी जीनोम का जो रिप्रोडक्शन है, वो केवल एक डीएनए सिंथेसिस का विशेष पीरियड होता है, उसी के दौरान हो सकता है। यहाँ पर सेल साइकिल दिखाया गया है, तो सेल साइकिल को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एम फेज और इंटरफेज। सेल साइकिल की शुरुआत इंटरफेज से होती है, और इंटरफेज के अंदर क्या होता है, इंटरफेज को हमने तीन जो है सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज के अंदर सेल जो है ग्रो करती है, और उसके अंदर जो नेसेसरी प्रोटीन है जो कि सेल डिवीजन के दौरान चाहिए, उनका सिंथेसिस होता है। और यह फेज जो है कम से कम कुछ घंटों तक रह सकती है। और जैसे ही जीवन का एंड होता है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट जिसे कि G1 ऑब्लिक एस जो है चेक पॉइंट नाम दे दिया जाता है, और G1 ऑब्लिक एस जो चेक पॉइंट है वो G1 को तब तक होल्ड करके रखता है जबकि जो सेल है उसके अंदर जो नेसेसरी एंजाइम्स जो है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, उनका सिंथेसिस नहीं हो जाता उन एंजाइम्स का, तब तक उसे होल्ड करके रखती है। और वास्तव में जीवन के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। तो अब जैसे ही सेल इस चेक पॉइंट को पार करती है, वो नेक्स्ट जो फेज है उसके अंदर एंटर हो जाती है, जिसे नाम दे दिया जाता है एस फेज। और कुछ सेल्स जो है G1 ऑब्लिक एस जो चेक पॉइंट है उस पर जाने से पहले G0 जो फेज है उसके अंदर भी एंटर कर जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि एक स्टेबल स्टेट के अंदर जो है सेल रह जाती है, जिसके अंदर कांस्टेंट साइज जो है वो सेल का पड़ा रहता है। अब जो सेल है वो एस फेज के अंदर एंटर करती है, और एस फेज के अंदर डीएनए सिंथेसिस होता है। जो क्रोमोजोम का नंबर है वो जस्ट जो है वो डबल हो जाता है, यानी जो क्रोमोजोम है वो क्रोमेटिड के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब जो नेक्स्ट चेक पॉइंट आता है उसे नाम दे दिया जाता है जी जो अब जो चेक पॉइंट आएगा, यानी जैसे ही सेल जो है वो S2 के अंदर G2 के अंदर एंटर करती है, तो G2 और M जो फेज है उनके बीच में जो है एक चेक पॉइंट आएगा। उससे पहले जो चेक पॉइंट था वो था G1 और S फेज के बीच में, अब जो नेक्स्ट चेक पॉइंट है वो है G2 और
एम फेज के बीच में, और वास्तव में जो G2 गैप फेज है उसके अंदर क्या होता है। G2 फेज के अंदर कुछ एडिशनल बायोकेमिकल इवेंट्स जो है होते हैं, जो कि सेल डिवीजन के लिए चाहिए होते हैं, और जैसे ही सेल G2/M चेक पॉइंट के ऊपर पहुंचती है तो उस दौरान क्या होता है कि ये G2 और M चेक पॉइंट को तभी पार कर सकती है जब DNA जो है वो अनडैमेज्ड हो, और जो डैमेज्ड DNA है वो बहुत सारी प्रोटीन के एक्टिवेशन को रोक सकता है जो कि माइटोसिस के लिए चाहिए होता है। और अब जो सेल है, जैसे ही DNA अगर प्रॉपरली सिंथेसाइज हो रखा है, वो डैमेज नहीं है, तो सेल G2/M जो चेक पॉइंट है उसे पार कर जाती है या पास हो जाती है। अब जो सेल है वो डिवाइड होने के लिए रेडी है, यानी वो M फेज के अंदर एंटर कर जाती है। अब बात आती है चेक पॉइंट की, कि चेक पॉइंट क्या है, कि चेक पॉइंट क्या है। कुछ कंट्रोल पॉइंट्स हैं जो कि सेल को, सेल साइकिल को कुछ जगह पर जो है वो अरेस्ट कर सकती हैं, यानी रोक सकती हैं सेल साइकिल को। जैसे चेक पॉइंट है G1 और S फेज के ऊपर, अगर DNA डैमेज है G1 फेज के अंदर तो सेल जो है वो G1 फेज के अंदर ही रुक जाएगी। अब आता है S फेज, अगर सेल में इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन हो रखा है सेल साइकिल में DNA का, तो जो चेक पॉइंट है वो सेल को S फेज के अंदर ही रोक देगा। और अगर DNA डैमेज है G2 फेज के अंदर, तो G2 फेज उसी अवस्था के अंदर बनी रहेगी। अब माइटोसिस के अंदर अगर काइनेटोकोर अनअटैच्ड है तो सेल माइटोसिस के अंदर ही बनी रहेगी। कि चेक पॉइंट का मीनिंग क्या है, कि सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए कुछ की ट्रांजिशन पॉइंट्स होते हैं जिन्हें चेक पॉइंट नाम दे दिया जाता है। ये चेक पॉइंट जैसे M फेज के अंदर है तो ये इंश्योर करते हैं कि सभी सेल्युलर जो कंपोनेंट्स है वो प्रेजेंट है, वो गुड वर्किंग ऑर्डर के अंदर है, और सेल नेक्स्ट जो स्टेज है उसके अंदर जा सकती है। चेक पॉइंट क्या है, कि कोई अगर मान लो डैमेज्ड DNA है या मिसिंग क्रोमोजोम है तो उनको भी नेक्स्ट स्टेज में जाने से रोक सकती है, यानी सेल को डैमेज होने से बचा सकती है। अगर चेक पॉइंट्स के अंदर कहीं डिफेक्ट हो जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर सेल की अनरेगुलेटेड ग्रोथ होगी, जैसा कि कुछ समय जो है वो कैंसर में देखा भी।